हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं घर के पकवान। और आज मैं बनाऊंगी कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसको सब लोग बहुत प्यार से खाते हैं और बहुत इजीली बन भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या लगता है देख लेते हैं। ये लौकी है एक, हमने इसको 200 ग्राम की लौकी थी उसको हमने धुल के काट के कद्दूकस कर लिया है। और ये बेसन एक कटोरी हमने लिया है 4 चम्मच समथिंग। और ये 3 हरी मिर्च हमने काट के रख लिया है। और ये जिंजर है, अदरक का टुकड़ा है, इसको हमने पेस्ट बना के रख लिया है 1 चम्मच के लगभग है। अब इसमें हम ये लौकी में ये मिलाएंगे। सबसे पहले ये हरी मिर्च डाल देते हैं हम, उसके बाद ये अदरक भी डाल देते हैं, आधा आधा रख लेंगे हम ग्रेवी में डालने के लिए। आधी 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1/4 चम्मच धनिया डालते हैं और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालते हैं। और ये थोड़ा सा हमने अजवाइन लिया है, इसको क्रश करके डालते हैं। ये भी 1/4 चम्मच ही है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तब इसकी खुशबू और अच्छी आएगी। अब इसको डाल देते हैं हम। उसके बाद इस बेसन को इसमें डालेंगे और बेसन ऐसा डालना है कि इसका पेस्ट बन जाए, हमें इसमें पानी ना डालना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे। और ये लौकी में पानी भी छूटता है तो इसलिए हमने लौकी को कद्दूकस करके इसका पानी निकाल दिया है पहले ही। इसको हम हाथ से कर लेते हैं। ये हमारा लौकी का डो बन गया है। अब हम अपना गैस ऑन कर देते हैं। तेल तब तक गर्म होता है, हमने गैस ऑन कर दिया। और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम इसको ऐसे ही ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। और ये हमने लिया है, एक टमाटर काट लिया है और एक प्याज है और ये 4-5 हरी मिर्ची है। इसका हम ग्रेवी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे पीस करके। नहीं कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते हमारे जल जाएंगे। अब इसमें अपने कोफ्ते हम डाल देते हैं और इसको ब्राउन होने तक इसको हम इसमें सेकेंगे। इसमें हमने अपने सारे कोफ्ते डाल दिए। अब हम इसको पलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से सेकेंगे ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारे कोफ्ते सारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, देर तक रोकेंगे इसको जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में चला जाए वापस। उसके बाद हम अपने सारे कोफ्ते निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते अपने निकाल लिए, गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हम अपना गैस लाते हैं और कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डालते हैं। 2-3 चम्मच तेल डाल दिया हमने सरसों का तेल। और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे,
इतना आधा चम्मच से कम जीरा डालते हैं। ये जीरा ब्राउन होने तक हम वेट करते हैं। इसके बाद हम अपनी ये जो जिंजर बचाए थे उसमें से उसको, ये हमारी अदरक भी हो गई, इसके बाद अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच हल्दी डालते हैं, आधा चम्मच धनिया डालते हैं, और आधा चम्मच गरम मसाला डालते हैं, और इसमें जो और जो हमने ये ग्रेवी बनाई थी प्याज और टमाटर की, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और सारे मसालों को हम तेल छोड़ने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। जब हमारे मसाले में तेल छूटने लगेगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, एक चम्मच हम नमक डाल देते हैं इसमें, और इसको 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे। आएंगे उसके बाद हम अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। 4 मिनट हो गए, अब हम अपना इसको खोलते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा पक रहा है। अब हम अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे और अगेन 4 मिनट तक पकाएंगे। डाल दिया, अब फिर हम 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। 4 मिनट हो गया, अब अपनी थाली में हटा के देखते हैं। देखिए हमारा कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे, बस बिल्कुल प्लेट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ऐसी नई नई रेसिपीज हम डालते रहते हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।